नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कंपाउंड नंबर में एक्सिस कैसे लगाते हैं। इस पर मुझे बहुत सारे कमेंट भी मिले हैं, दो तीन वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है और आपको लाइव भी दिखाएगी कैसे आप कंपाउंड नंबर में एक्सिस लगा सकते हैं। आज हम थोड़ा इसको थ्योरी टाइप का समझेंगे ताकि आपको एक्सिस लगाने में आसानी हो जाए, क्योंकि जब तक आप फार्मूला को अच्छे से नहीं समझेंगे एक्सिस नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं कंपाउंड नंबर में एक्सिस लगाने का फार्मूला। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कंपाउंड नंबर क्या होता है। आप सभी को पता ही होगा कंपाउंड नंबर किसको बोलते हैं, जहां पर स्फेरिकल नंबर, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा -1 जो है स्फेरिकल नंबर है और यहाँ पर -0.5 जो है वो सिलेंड्रिकल नंबर है। एक्सिस जो है आपको 180 है, 90 है, जो भी एक्सिस हो यहाँ पर हम 180 ले लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या रहता है, SPH रहता है स्फेरिकल नंबर, उसके बाद होता है ये सिलेंड्रिकल नंबर और फिर होता है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस तब होता है जब सिलेंड्रिकल नंबर रहेगा, स्फेरिकल में एक्सिस नहीं लगता है, सिलेंड्रिकल रहेगा तभी आपको एक्सिस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए जब स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों रहते हैं एक ही पावर में तो उसको हम कंपाउंड नंबर बोलते हैं। तो ये है हमारा कंपाउंड नंबर। अब हमको इसमें एक्सिस लगाना है। मान लीजिए कि आपके पास कोई लेंस है, अगर नहीं है तो आप पकड़ लीजिए अपने हाथ में, कोई भी एक कंपाउंड नंबर ले लीजिए अपने हाथ में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका लेंस हो गया, जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ, अभी हमको पता है कि इसमें जो नंबर है वो -1 और स्फेरिकल और सिलेंडर जो है -0.5 है। ठीक है, ये कंपाउंड नंबर हो गया, इसमें एक्सिस लगाना सीखना है। हमने आपको डायरेक्टली अभी उत्तर बता दिया है कि इस पावर का लेंस है ये बोल के। ठीक है, आप नए लेंस में भी ये सब चीज ट्राई कर सकते हैं, जिसका पावर नहीं पता है उसको भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं उसका पावर आप कैसे निकालेंगे। आज हम डायरेक्टली इसको एक्सिस के बारे में बता रहे हैं। आपको करना क्या है, ये -1 स्फेरिकल, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल नंबर को पहले निकाला जाता है। ठीक है, फर्स्ट में आपको स्फेरिकल नंबर निकालना है। आपको पता है यहाँ पे -1 है तो आपको क्या पकड़ना होगा, ट्रायल सेट से +1 पकड़ना है, +1 स्फेरिकल नंबर। मैंने आपको बताया था ना कि इस टाइप का ट्रायल सेट आपका रहता है उसमें एक डंडी लगी रहती है, ये डंडी वाला जो साइन आप देखेंगे वही स्फेरिकल नंबर का होता है। तो आपको +1 उठाना है, +1 उठाएंगे तभी ये न्यूट्रल होगा, प्लस माइनस जो है कट जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको 90 को ढूंढना है। 90 को आप ढूंढेंगे कैसे, जब आप इसको राउंड राउंड और अप डाउन दोनों साइड एक साथ करते रहेंगे, यानी कि अप डाउन भी करेंगे और राउंड भी घुमाएंगे, तो आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर ये न्यूट्रल हो जाता है। मान लीजिए कि यहां पर इस रेखा में वो न्यूट्रल हो गया, अब जो है कोई भी मूवमेंट लेंस में नहीं हो रही है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, एकदम न्यूट्रल हो गया वो, तो ये हो गया आपका 90। सबसे फर्स्ट में आपको मिलता है 90 का एक्सिस मिल जाता है जहां पर भी ये न्यूट्रल हो गया तो। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको इस लेंस को घुमा देना है, सीधा कर लेना है, सीधा सीधा, जैसे कि आपका लेंस हो गया, अब ये इस 90 को हम सीधा ले आते हैं, इस तरीके से सीधा हो गया, बस इसको घुमा दिया आपने और कुछ नहीं किया है, ये आ रहा था अब हमको सीधा कर दिया। आपने देखा होगा आपके पास एक्सिस चार्ट होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, ये आपका एक्सिस चार्ट रहता है इस टाइप का। सिंपली आपको क्या करना है, ये आपका 90 मिल गया, सिलेंडर को आपको जब पावर निकालते हैं तब इसको जांच करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप एक्सिस ही लगा रहे हैं, खाली एक्सिस लगाना है, तो सिलेंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा ये 90 मिल गया लेंस में। अब एक्सिस क्या है, 180 का एक्सिस है, तो ये तो हालांकि बहुत ही सिंपल एक्सिस है, क्योंकि हम इस 90 को अगर इस तरीके से आड़ा घुमा दिए, ठीक है, इसको पूरा राउंड घुमा दिए तो ये 180 बन जाता है, ये 180 एक्सिस है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि हम इसको एक्सिस को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको 50 कर देते हैं, 50 का एक्सिस लगाना है मान लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 90 वाले लेंस को उठाना है और यहाँ पे फिट कर देना है, एक्सिस चार्ट के ऊपर रख देना है। 50 कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए, 50 आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 50, 60 ऐसा करके 90 होता है, तो 50 आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर भी आपको 50 मिल जाएगा, ये रेखा ऐसी जाएगी। ठीक है,
इसी लेंस को आपको इसी 90 को 50 के ऊपर सीधा सीधा रख देना है, बाकी सब मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये एक्सिस चार्ट में हमने इस लेंस को सीधा सीधा 50 में रख दिया। अब आपको लाइन सीधा सीधा 180 पे लाइन खींच देना है इस तरीके से। ये लेंस है हमने एक्सिस चार्ट के ऊपर रखा हुआ है, पहले हमने 50 के ऊपर जो हमारा एक्सिस है 50 के ऊपर इसी रेखा को रख दिया। अब इस रेखा को रखने के बाद जो है 180 से 180 की रेखा खींच दी, और जो पहले हमने 50 में रेखा लगाई थी उसको हम मिटा देंगे। तो अब क्या हुआ, अब इस लेंस का जो एक्सिस बन गया, ये हमारा लेंस जो है इसका एक्सिस जो है, हालांकि ये दिखने में 180 जैसा ही, 180 में हमने एक्सिस लगाया है, लेकिन ये लेंस घूमकर इसमें एक्सिस लगा हुआ है 50 का। तो ये आपका 50 एक्सिस लग गया बहुत ही आसानी से। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है कि जब आप इस फिटिंग करते हैं, अगर आप खुद ही फिटिंग करते हैं तो आप इसको फिटिंग कैसे करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 180 लगाया हुआ है। आपका फ्रेम कैसा रहता है, इस टाइप का फ्रेम रहता है, जैसा भी डिजाइन में हो फ्रेम आपका, ये हम मान लेते हैं कि आपका चश्मा है, ठीक है। 180 में अगर आपने एक्सिस खींचा है तो आपको इस लेंस को उठाकर 180 में ही सेट करके कटिंग करनी होती है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, कई लोग जैसे कि ये 50 से 50 का एक्सिस लगाए हुए हैं, और इसको कई लोग क्या है 180 ना खींचते हुए 90 पे खींच देते हैं, और 90 में खींचने के बाद हम इस 50 वाले को फिर से मिटा देते हैं, तो भी हमारा जो एक्सिस है वो 50 ही रहेगा। लेकिन जब इसको आप फिट करना चाहे, ग्लासेस में फिट करना चाहेंगे, तो आपको सीधा ही रखना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से ही इसको रख के कटिंग करनी होगी, तब जाकर आपका एक्सिस सही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं समझता हूँ कि आपने एक्सिस लगाने का सही तरीका अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ऑप्टिकल के बारे में हमारे चैनल पर लगभग सारी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। हम इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, उसके लिए हमने अपने कम्युनिटी टैब में एक वोटिंग डाला हुआ है, आप जाएं और अपनी पसंद की कैटेगरी चूज जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।